अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। ये जी मैं आपके लिए ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो लेकर आई हूँ। टीन एज जो गर्ल्स होती हैं उनके लिए ये डिज़ाइनिंग बिल्कुल बेस्ट है, तो मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। टीन एज जो गर्ल्स बच्चियाँ हैं उनके लिए बेस्ट डिज़ाइनिंग है। चलें जी शुरू करते हैं। ये जी हमारा नेक है, राउंड नेक है, ये जो हमारा राउंड नेक है ठीक है, और इसके ऊपर ये गोल्डन डोरी लगी हुई है, जिगजैग वाली जो डोरी होती है ये वो है ठीक है। और इसके नीचे ये देखें जी, ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और इसके अंदर एक एक मोती लगा हुआ है, फिर शीशा लगा हुआ है, फिर मोती है, फिर इसी तरह ये हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी है और शीशा लगा हुआ है ठीक है। ये सारे दो लाइनें इस तरह हैं और फिर ये जो हैं ये दो लाइनें ये पर्ल वाले मोती लगे हुए हैं, पर्ल लगे हुए हैं, फिर शीशा लगा हुआ है, फिर पर्ल लगे हुए हैं, फिर शीशा लगा हुआ है ये ठीक है ना। ये दो लाइनें हमारी इस तरह आ रही हैं और फिर ये इधर एम्ब्रॉयडरी वही के मोती लगा हुआ है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, इसके अंदर मोती लगे हुए हैं, फिर शीशा है। ये दो लाइनें हमारी इस तरह आ रही हैं और ये सेंटर की दो लाइनें इस तरह आ रही हैं, फिर ये दो लाइनें इस तरह आ रही हैं। बाहर की दोनों लाइनें सेम हैं, अंदर की दो लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं। और इनके सेंटर में ये जो एक बंच लगा हुआ है ठीक है, बंच के अंदर भी ये बीच में कढ़ाई है, बीच में मोती है और बीच में पर्ल मोती भी हैं यूज़ हुए हैं, एक एक दूसरा नग वाला मोती है और ये चुभने वाले मोती बिल्कुल भी नहीं हैं, बड़े अच्छे मोती हैं ये ठीक है। ये बीच में हल्की फुल्की सी कढ़ाई है, ये बंच है, बंच ये ऊपर नहीं लगा हुआ, ये इसके ऊपर कढ़ाई हुई भी है ठीक है ना, ये इस तरह। चलें जी अब ये है इसकी, ये त्रीजें डली हुई हैं ठीक है, और ये त्रीजों के अंदर ये वही डोरी हमारी जिगजैग वाली डोरी हमने लगाई हुई है, इस तरफ भी त्रीज है, इस तरफ भी त्रीज है, ये दो त्रीजें डली हुई हैं ठीक है। और ये नीचे तक ऐसे ही जा रही हैं त्रीजें हमारी, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये नीचे तक ऐसे ही हमारी त्रीजें आ रही हैं ठीक है। और इसका जो ये दामन है, दामन आगे से इसका सिंपल है, सीधा है, और पीछे से ये राउंड है, टेल स्टाइल में है ठीक है, और पीछे से टेल है, आगे से सिंपल है, सीधा ही है, लेकिन डोरी बैक और फ्रंट दोनों पे लगी हुई है ठीक है। और इसके जो चाक हैं, चाक इसके बंद हैं, ये देखें चाक हमने इसके बंद ही रखे हुए हैं, चाक ओपन नहीं है। और इसकी बैक जो है, बैक इसकी सिंपल है, बैक पे कोई त्रीज वगैरह नहीं है ठीक है। और अब इसकी बारी आती है इसके स्लीव्स की, स्लीव्स इसके देखें, स्लीव्स इसके सिंपल हैं और वही डोरी हमने तीन दफ़ा लगाई हुई है, तीन लाइनें करके वही गोल्डन डोरी हमने स्लीव्स पे भी लगाई हुई है, क्योंकि इसके नेक पे काम था हल्का फुल्का सा, तो स्लीव्स हमने सिंपल रखे हैं, इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं की ठीक है। ये हमारा लॉन का ड्रेस है, मेहरून कलर है इसका, और ये इसके साथ इसका ट्राउज़र है, देखें ये गोल्डन कलर की डोरी लगी हुई है, तो ट्राउज़र भी हमारा इसका गोल्डन ही है, ये जैकवार्ड कहते हैं, क्या कहते हैं मुझे अब सही नाम भी नहीं आता, आप समझ आइएगा, आप वो समझदार यूट्यूब फैमिली है। ये देखें ये जैकवार्ड का ट्राउज़र है इसका, सिंपल ट्राउज़र है, ये देखें। चलें जी अब मैं आपके साथ दूसरा ड्रेस शेयर करती हूँ। ये जी हमारा दूसरा ड्रेस है, ये भी लॉन का ही है, गर्मियों का सीज़न है तो जाहिर सी बात है लॉन की ड्रेस डिज़ाइनिंग ही शेयर होगी। ये इसका राउंड नेक है ठीक है, राउंड के साथ ये हमने इधर से पाइपिंग की हुई है, ये इधर से पाइपिंग सारी बंद है, ओपन नहीं है, ये हमने सिलाई की हुई है ठीक है ना, नीचे स्लिट लगा के कपड़ा लगा के हमने इसको बंद किया हुआ है। और इसके ऊपर ये देखें ये एक एक टसल्स लगा हुआ है,
ठीक है, ये इधर दो मोती लगे हुए हैं, ठीक है, और फिर ये टसल्स है, और इसके नीचे फिर एक मोती लगा हुआ है, ये देखें, ये तीन लगे हुए हैं, और ये हमने ऊपर इतनी बॉडी अलहदा ये अटैच की है, ठीक है, ये अलहदा बॉडी इतनी लगी हुई है, और इसके ये जॉइंट के ऊपर ये जो लेस लगा लगी हुई है, ये जो हमने जोड़ लगा के बॉडी लगाई थी इसके ऊपर ये लेस लगी हुई है, ठीक है, ये अम्ब्रेला स्टाइल फ्रॉक है, ये अम्ब्रेला स्टाइल है लेकिन इसके कोने लटक रहे हैं, ठीक है ना, एयरलाइन फ्रॉक है असल में ना, ये एयरलाइन फ्रॉक है, ये जो कॉर्नर इस जिसके लटक रहे होते हैं ये वो वाली फ्रॉक है, ठीक है ना। और ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स इसके सिंपल हैं, ठीक है, स्लीव्स के ऊपर ये बॉर्डर, ये जो इधर गले पे बॉर्डर आ रहा है नेक के ऊपर, ये हमने वही पट्टी बचा के वो हमने इधर बाजुओं के ऊपर यूज़ की है, ये देखें दोनों बाजुओं के ऊपर हमने वही बॉर्डर पट्टी लगाई हुई है, ठीक है। और अब आ जाए इसके नीचे दामन की तरफ, दामन इसका वही एयरलाइन फ्रॉक है जिसके कोने लटक रहे होते हैं, वही वही गोल्डन डोरी हमने इधर यूज़ की है, लेकिन इस गोल्डन डोरी में फ़र्क ये है कि इसके ऊपर ये टसल्स लगे हुए थे, ये पहले ही लगे हुए थे, ये देखें, ये पूरी के ऊपर टसल्स लगे हुए हैं, ये इसके ऊपर ऐसे ही अटैच थे, इसको सिर्फ मैंने थोड़ा सा पक्का किया है ताकि ये गिरे नहीं, ये देखें, और बैक इसकी सेम ही है, बैक भी इसकी सेम है, ये देखें, और ये इसका ट्राउज़र है, ये देखें, ट्राउज़र भी इसका सिंपल है, वही जो था बॉर्डर हमने स्लीव्स पे यूज़ किया है वही बॉर्डर हमने इधर ट्राउज़र के पैंचों पर यूज़ किया है, ये देखें, वैसे ट्राउज़र सिंपल है लेकिन वही बॉर्डर हमने ट्राउज़र के पैंचों पर लगा दिया है, बच्चों की इस तरह की ड्रेस डिज़ाइनिंग फ्रॉक टाइप एयरलाइन टाइप और ये अच्छी लगती है टीनेजेस जो बच्चियाँ होती हैं हमारी, ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।